किसी का बेटा है उसको कुछ नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। आज हम मौजूद है गर्ल्स नामी प्रसिद्ध कॉलेज गार्गी कॉलेज के सामने, क्योंकि यहां पे बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को एनुअल फंक्शन के दिन यहां पे एक ऐसा प्रकरण हुआ जो कि दिल दहला देने वाला है। माना जा रहा है कि कुछ बाहरी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हो के अंदर प्रवेश करके छात्राओं के साथ मोलेस्टेशन जैसी घटना की, लेकिन इस बात पर प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें ऐसे कोई पता ही नहीं है और सिक्योरिटी वालों का कहना है कि पास देख के उन्हें अंदर भेजा गया था। फिर ऐसी घटना क्यों हुई? छात्रों का कहना है कि अब प्रिंसिपल ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है जिसपे वो अपनी डिमांड रख रही है और प्रिंसिपल ने भी अब FIR करने की मांग की है, FIR करने जा रही है। आइए हम छात्राओं से बात करते हैं कि उनकी क्या मांग है और पूरा प्रकरण कब और कैसे हुआ। 6 फरवरी को जो मेल्स की एंट्री सिर्फ पासेस के थ्रू होनी थी एंड हर गार्गी के स्टूडेंट को एक एक पास मिला था, तो काफ़ी कम पासेस थे और कोई और तरीका नहीं था पास लेने का। बट एंड 4:30 बजे तक उनकी एंट्री बंद कर देनी थी, बट उसके काफ़ी टाइम बाद भी यहाँ पे पांच एडमिन स्टाफ के लोग होंगे, गार्ड्स वगैरह जो भी, एंड उन लोगों ने गेट खोला था कार को एंटर करने के लिए। एंड जब उनने गेट खोला तो 300-400 लोग एंटर कर लिए उनके साथ ही जिनके पास पासेस नहीं थे। एंड फिर लोगों ने दीवारें भी क्लाइम करी एंड दे फाउंड अदर वेज टू गेट इनसाइड कि इधर ऐसे जहाँ से भी, एंड अंदर जाके फिर दे सेक्सुअली हरास्ड वुमेन इनसाइड एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं उस दिन नहीं थी उधर बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एंड सब ने यही बोला है कि लड़कों ने फिर अंदर जाके उनको छेड़ा एंड उनको उनके PGs और मेट्रो स्टेशन हर जगह तक फॉलो करा है। एंड यहाँ पे जब गेट पे पास लगता है, पास दिखा के ही आप एंटर कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे कितने मात्रा में लोग घुसे होंगे अंदर? काफ़ी हज़ारों में घुसे होंगे। अब कैसे घुस गए? पास तो उनके पास होगा नहीं। अब वही तो फिर हमारी डिमांड है ना कि अगर पास नहीं था तो वो लोग कैसे घुस गए। तो लाइक जब उनने कार के लिए गेट खोला था तो तभी भीड़ में लोग अंदर घुस गए और तब पासेस चेक हुए नहीं फिर, और फिर दरवाज़ा भी बंद करना मुश्किल हो जाता है, फिर दीवार भी फांदी लोगों ने। वही हमारा वही क्वेश्चन है कि कितनी सिक्योरिटी थी, कितना बजट था सिक्योरिटी के लिए, कितने कमांडोज प्रेजेंट थे और जो थे उनने कुछ करा क्यों नहीं। प्रिंसिपल कह रही है हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है और अब FIR करने की बात कर रही है। हाँ, उनने पहले तो उनकी यही स्टेटमेंट्स आ रही थी बट आज उनने बोला है कि दे अंडरस्टैंड एंड दे सॉरी कि क्या हुआ एंड वो मतलब आज के दिन में दे विल फाइल एन FIR। हाँ, सबसे मेन मांग हमारी वही है कि सिक्योरिटी उस दिन इतनी क्यों नहीं थी और थी जो थी उनने क्यों नहीं कुछ करा, और अगले साल अब जो हो गया अब वो तो टाइम को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, तो अगले साल वो कौन से मेजर्स लेंगे ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। तो सबसे पहले गार्ड्स पे कि उन्हें बिना पासेस के कैसे एंटर करने दिया लोगों को, फिर उसके बाद एडमिन स्टाफ प्रिंसिपल जिनके पास बच्चे गए थे बोलने के लिए कि दे हैव बीन सेक्सुअली हरास्ड एंड उस टाइम क्यों नहीं उन लोगों ने एक्शन लिया, एंड ऑल्सो द मैन दैट एंटर्ड उस दिन उन पर भी सवाल है। सर, सबसे पहले तो जो हम लोगों को पासेस दिए गए थे उस दिन एंट्री करने के लिए कि हम एक एक पासेस को देके एंट्री करवा सकते हैं, बट गार्गी कॉलेज के स्टूडेंट की तो आई कार्ड पर एंट्री अलाउड थी और 4:30 था वो और टाइम दिया गया था कि वो लास्ट एंट्री का टाइम है, लेकिन उस दिन क्या हुआ मतलब 6 बजे तक एंट्री होती रही और आप देख सकते हैं मतलब आज यहाँ पर कितनी सारी पुलिस फोर्स है और काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी है, बट उस दिन कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब हमारे जो कॉलेज के मतलब स्टूडेंट्स हैं वो 4,000 स्टूडेंट्स हैं ओनली, मतलब 3 to 4,000, बट उस दिन 8,000 पीपल मतलब जो वो अंदर थे कॉलेज के और मतलब विदाउट चेकिंग मतलब लोगों को अंदर आने दिया गया था और जो मतलब सिक्योरिटी तो थी नहीं उस दिन बिल्कुल भी, और जो ये गेट है इसके ऊपर से लोग बाग मतलब चढ़ के गए हैं और मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं थे, काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी एज के लोग भी मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो मतलब प्रोहिबिटेड है कॉलेज में, बट उस दिन ये सब होता रहा है और काफ़ी लड़कों ने लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन और एब्यूजिंग बहुत हुआ है उस दिन, और इसी को लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम से भी बात की है और मैम का उस दिन स्टेटमेंट आया कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब उस दिन एक कंप्लेंट गई थी मैम के पास और उन्होंने मतलब उस दिन कोई एक्शन तो नहीं लिया था, और अभी भी काफ़ी अंदर जो हमने काफ़ी सारी अपनी जो डिमांड्स है वो सब मैम के सामने रखी हैं और उन्होंने कहा है कि हम 1 घंटे की मीटिंग के बाद आप लोगों को फिर से मतलब आंसर करेंगे
और मतलब काफी ज्यादा मतलब लोगों की जो भी डिमांड थी सब रखी है अभी मैम। एनुअल फंक्शन है, हर साल आयोजित किया जाता होगा, तो सिक्योरिटी पे लेके आपको क्या क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं इतनी? सर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो है जो हमारा रेवरी एनुअल फेस्ट है जो इसके लिए मतलब कितना बजट था उस दिन सिक्योरिटी के लिए, इसको इसका मतलब हम लोगों को बताया जाए कि मतलब कोई सिक्योरिटी के लिए कितना बजट रहता है एनुअली। सबसे बड़ी मांग तो यही है हमारी। और दूसरी है कि उस दिन जैमर लगा दिए गए थे कॉलेज में, अभी आप जाएंगे अंदर तो आराम से कॉल कर सकते हैं बट उस दिन तो आप कॉल ही नहीं कर सकते। सो मतलब अगर किसी की लड़की के साथ मोलेस्टेशन हो रही है, अब्यूजिंग हो रही है, तो वो किसी को कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते। इवन आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आर फ्रेंड्स हु वर प्रेजेंट इन द कॉलेज एट दैट टाइम। बहुत पास हुए लड़कियों के साथ, बहुत ज्यादा ज़्यादा। आप लोग प्रेजेंट में थे उस समय, कितने लोगों का क्राउड था जो बाहर से? 10,000 लोग थे जो बाहर से आए थे, वो कितने लोगों के करीब होंगे? उसमें होंगे 5,000-3,000, बहुत लोग थे बाहर से आए। उन लोग कहाँ से, क्या लगता है आपको बाहर? नहीं, हम लोगों ने इनवाइट किसी को भी नहीं किया, हम लोगों को पास प्रोवाइड करवाए गए थे बस। और पास इसके लिए हम लोगों को तो ये था एक पास से एक ही एंट्री करेगा। बाहर के लोग कहाँ से आए थे, क्या? बाहर के लोग 15 मिनट के लिए, उन लोगों ने बदतमीजी करी थी बाहर के लोगों ने, तो गेट तोड़ दिया गया था, बिल्कुल तोड़ दिया था। कितने एज ग्रुप के वो लड़के थे? 200-300 ग्रुप के लड़के थे वो। अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर आप निकाले, उनसे क्या था? नहीं, पुलिस मौजूद नहीं थी, कोई भी नहीं था। कितना अनसेफ आप लोग अभी? अनसेफ तो हम आज भी कर रहे हैं, अभी तो आप लोग भी हो और ये पुलिस वगैरह डीसीपी वगैरह बहुत हैं, तो पुलिस पर उस से टाइम क्या कोई भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं। किसी ने कोई भी 100 नंबर कॉल या किसी नहीं किसी ने किसी का? एक तो जैम कॉलेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क जैमर्स लगा रखे हैं, तो कॉल किसी का लगता ही नहीं है। प्रिंसिपल ने तो उस दिन भी हम लोगों ने बहुत कंप्लेंट की थी, तो प्रिंसिपल तो सुनी नहीं रही थी, तो बोल रही कोई बात नहीं बेटा, डीसीपी का बेटा है, वो देख लेंगे उसे, कोई बात नहीं। तो यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कौन से डीसीपी का? कोई था अंदर, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि सर मेरे साथ कुछ बदतमीजी हुई है, तो उन्होंने बोला कि वो तो डीसीपी का बेटा है, उसको कुछ नहीं हुआ। पर्सनली उस दिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन सब से मेरे को ये सुनने के लिए मिला है कि भले उनके साथ मोलेस्टेशन नहीं हुआ, बट कैट कॉलिंग के बहुत सारे इंस्टेंसेस है जो मैंने पर्सनली देखा होते हुए। एंड ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मोलेस्टेशन भी हुआ था। एंड एज अ गार्गी स्टूडेंट, जो कि एक सेफ स्पेस माना जाता है हम लोगों के लिए, हम नहीं चाहते कि ऐसा एनवायरनमेंट कभी भी हमारे जूनियर्स के लिए क्रिएट हो और उन्हें कभी भी ये फेस ना करना पड़े जो इस बार के क्राउड को फेस करना पड़ा। एंड इट वाज नॉट ओनली गार्गी स्टूडेंट्स हु हैड टू फेस दिस, जितनी भी लड़कियां, जितनी भी छात्राएं अलग अलग कॉलेजेस से आई थी उनको भी ये सब फेस करना पड़ा। एंड आई वुड रियली रियली लाइक टू से सॉरी टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वर देयर, अपनी तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से। इसके अलावा हमारी प्रिंसिपल ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया है आज हमारे सामने और बोला है कि वो एक्शंस लेंगे और हमारी जो भी डिमांड्स है उसकी पूरा करेंगे। हमारा जो मेजर डिमांड है दैट वाज अबाउट सेफ्टी ऑफ गार्गी स्टूडेंट, तो उन्होंने बोला है कि सेफ्टी के लिए और जो भी उस दिन हुआ है उसके लिए वो लोग कमेटी बिठाएंगे, ICC कमेटी एंड फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो कि चेक करेगी कि लूप होल्स कहाँ पर है हमारे। उसके अलावा उन्होंने बोला है विमेन डेवलपमेंट सेल है जो इस पर काम करेगा और हमारी सेफ्टी को इंश्योर करा जाएगा। उस दिन ये सब हुआ कितने बजे का ये है कि मतलब लोगों ने घुसा, क्योंकि माना जा रहा है 4:30 बजे एंट्री बंद कर दी गई थी, उसके बाद भी लोग आते जाते रहे। सो हमारे पासिस पे जो लिखा हुआ था वो ये था कि 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में एंट्री बंद कर दी जाएगी और गेट जो है वो बंद हो चुके थे 3:30 के आसपास, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी कॉलेज के अंदर और उससे ज़्यादा भीड़ नहीं झेली जा सकती थी जितना स्पेस था गार्गी के ग्राउंड के अंदर उसके अकॉर्डिंग। पर उसके बाद फिर जब उनको लगा कि एंट्री हमारी बंद कर रहे हैं तो करीब 4:30 के करीब उन्होंने गेट तोड़ दिया। और वो ऐसे कौन से लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट थे या बाहर के लोग थे, कैसे अब लोग क्या लगता है कौन से लोग? तो बात यह है कि मिक्स था क्राउड, कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे जो दूसरे कॉलेज से आए थे, लेकिन उसके साथ 30-35 ईयर ओल्ड मेन भी थे जो कि ड्रंक थे और वो मेन कहीं से भी एंटर कर रहे थे, कोई फेंस से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई DTC बस से उतर कर आ रहा है, जिसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारी सेफ्टी का मुद्दा है अंदर और हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन, क्योंकि हमने देखा कि ये जो है इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है कि ये बोलकर कि उस दिन बस राम राम के चांट हो रहे थे या फिर उस दिन RSS का चांट हो रहा था, बट ये मुद्दा है नहीं। मुद्दा जो है वो ये है कि सेफ्टी इंश्योर नहीं की गई और उसके लिए उस समय जब ये सब हुआ तो डायल 100 या इन सब पे कोई सूचना आप लोगों ने देने की कोई कोशिश की?
सो हमारे अकॉर्डिंग हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका फर्स्ट ये फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे जाकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताए. तो एक बच्ची ने जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को बताया एंड प्रिंसिपल को बताया, जो कि प्रिंसिपल ने आज हमारे सामने बोला है कि ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने आकर बताया था और हमने यही बोला कि आपको एक्शन उसी टाइम लेना चाहिए था रादर देन वेटिंग फॉर सो मच लॉन्गर. तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है पब्लिकली, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने अपोलोजाइज़ किया और उन्होंने माना है ये बात. उन्होंने एक घंटे की मीटिंग रखी है, बच्चों ने ही उनको एक घंटे का टाइम दिया कि वो जाएं और एक घंटे में डिस्कस कर कर आए कि हमारी मांगे कैसी पूरी होगी. जब इतनी बड़ी क्राउड थी, इतना बड़ा फेस्ट जो कि हर साल एनुअल फंक्शन में होता है, तो यहाँ पे प्रशासन या पुलिस का कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? पुलिस की व्यवस्था की गई थी, इनफैक्ट आर्मी वालों को भी बुलाया गया था, पर आई थिंक कि जितनी क्राउड आई थी उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं था और ये चीज़ हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी मानता है. पर उनको ये लगा जैसा हमको लगा था कि सिंस पास सिस्टम होने वाला है तो बहुत ही लिमिटेड क्राउड होगा क्योंकि सिर्फ कॉलेज की लड़कियां एंड वो लड़के जिनको पास मिला है. बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज वो पास सिस्टम इन्होंने अपनी तरह से ट्राई तो किया था लेकिन वो चीज़ आगे हो नहीं पाई. आप लोग की डिमांड क्या है, इससे किस पे क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन मार्क पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे सिक्योरिटी पर है बिकॉज सिक्योरिटी सिर्फ एक दिन में इंश्योर नहीं करी जाती है, वो पूरे साल का एक काम होता है कि आपको दिखना चाहिए ये पूरे साल है जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करी जा रही है, जिसके लिए हमारे टीचर्स ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि इंश्योर किया जाएगा सिक्योरिटी नेक्स्ट टाइम. सो उन्होंने बोला है कि बाउंसर्स रखे जाएंगे और सब कुछ सिक्योरिटी का जितना अभी था उसका डबल ट्रिपल कर दिया जाएगा ताकि आगे ऐसी घटना ना हो. हम लोग गार्गी कॉलेज आए थे और यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से चार दिन पहले उनका जब फेस्ट हो रहा था वहाँ पे बाहर के बहुत सारे आदमी घुसकर आए, उनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ, उन्हें गलत तरीके से छुआ गया और बहुत ही भयानक कहानियाँ सामने आ रही हैं. चार दिन हो गए अभी तक ना तो दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन लिया है और ना ही कॉलेज ने कोई एक्शन लिया है. दिल्ली महिला आयोग दिल्ली पुलिस और कॉलेज दोनों को नोटिस इशू कर रहा है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक FIR क्यों नहीं हुई, अभी तक वो आदमी लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए और क्या जाँच चल रही है, क्यों दिल्ली पुलिस इतनी चुप है. जब दिल्ली महिला आयोग यहाँ पे पहुँच कर इतने सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकता है तो दिल्ली पुलिस ये कैसे कह सकती है कि उन्हें अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली. सच तो ये है कि जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, मॉलेस्टेशन हो रही थी, लड़कों को अंदर कॉलेज के घुसाया जा रहा था, तब दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात थे. लड़कियाँ यहाँ तक बता रही हैं कि जवानों के सामने उनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ फिर भी कभी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये बहुत ही शर्म की बात है. दिल्ली पुलिस इस तरीके से आँखें मूंद कर नहीं बैठ सकती. एक कॉलेज के अंदर, नेशनल कॉलेज के अंदर इस तरीके से मॉलेस्टेशन होता है और कोई एक्शन नहीं होता. दिल्ली महिला आयोग इंश्योर करेगा कि वो जो भी आदमी थे वो जेल के अंदर हो. क्या प्रिंसिपल से आपकी बात हुई? उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद था वो काफी संख्या में कम था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, बचाव नहीं कर पाया, इस पर आपका क्या कहना? अगर ऐसा था कि पुलिस जो यहाँ पे थी वो कम तैनात थी तो मैं ये जानना चाहती हूँ उस पर एक्शन क्या हुआ, क्या कॉलेज ने कुछ रिटन में लिख कर दिया अभी तक दिल्ली पुलिस को, क्या दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करी, क्या दिल्ली पुलिस के किसी जवान ने FIR दर्ज करवाई, क्योंकि उनके सामने इतना सब कुछ हो गया यहाँ पे. यहाँ तो बस ये बात हो रही है कि अपनी आंखें बंद करके रखो, लड़कियों के साथ कुछ हो तो चल जाएगा. यहाँ तक कि लड़कियों को बोला जा रहा है कि अगर आप अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं तो फेस्ट में आना बंद कर दीजिए. तो ये तो वही बात हो गई कि आप अपने आप को सड़क पे अनसेफ महसूस करती हैं तो सड़क पे चलना बंद कर दीजिए, आप अगर अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं तो घर में बैठना बंद कर दीजिए, क्योंकि रेप तो कहीं भी हो सकता है. ये बहुत ही शर्म की बात है. ये लड़कियां बता रही हैं कि लड़कियों को प्रशासन के द्वारा बोला गया है कि अगर आप अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं तो आइए ही मत फेस्ट में. ये ऐसा कॉलेज के द्वारा लड़कियों को बोला गया जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं और इसीलिए कॉलेज को भी और दिल्ली पुलिस को दोनों को हम नोटिस इशू कर रहे हैं. साथ ही जैमर्स लगाए गए हैं कॉलेजेस में, वहाँ नेटवर्क नहीं होते हैं, बच्चे कॉल नहीं कर पाई हैं पुलिस को 100 नंबर पर. जी ये बहुत ही अजीब बात है जो बच्चियों ने हमें बताया है कि यहाँ पे पूरे कॉलेज के अंदर जैमर्स लगा रखे हैं. इस कारण से जब लड़कियों के साथ ये सारी घटनाएं घट रही थी उन्होंने बहुत कोशिश करी कि 100 नंबर पे 181 नंबर पे कॉल्स हों लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ जैमर लगा रखे हैं. तो कॉलेज के अंदर जैमर लगाने की क्या ज़रूरत है समझ नहीं आया, इसीलिए हम लोग कॉलेज को भी नोटिस इशू कर रहे हैं. यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि पिछले साल भी इसी तरीके की घटना घटी थी लेकिन कॉलेज ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, दिल्ली महिला आयोग एक्शन ले रहा है.
है, हम चाहते हैं कि जितने ये आदमी हैं जिन्हें लगता है कि वो कहीं पे घुस के लड़कियों को छू सकते हैं और उनको कोई उनके माँ बाप माई बाप उन्हें बचा लेंगे, उनके खिलाफ हमें एक्शन चाहिए, वो हमें अरेस्टेड चाहिए। मैम ये इवेंट 6 को हुआ था और न्यूज़ आज वायरल हो रही है, इसमें मीडिया की प्रॉब्लम है, कॉलेज अथॉरिटीज़ की या फिर किसका, यहाँ कहाँ हम कमी कर रहे हैं? जी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 6 तारीख को जो घटना घटी है वो अब जाके रिपोर्ट हो रही है। मुझे लगता है कि शर्म की बात है और कॉलेज और पुलिस इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि उन दोनों को पता था कि 6 तारीख को क्या हुआ है, तो वो क्यों नहीं FIR दर्ज कराते? क्या उनकी किस बात पे वो चुप बैठे हैं? इसीलिए दिल्ली महिला आयोग उनको नोटिस इशू कर रहा है कि देरी क्यों और अब कब अरेस्ट करोगे, सबसे बड़ी बात वो है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला? कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमें नहीं पता, हमें तो अभी कंप्लेंट मिली है, जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से झूठ है, क्योंकि मैं वहाँ पे अंदर कई 100 लड़कियों से मिलकर आ रही हूँ जो एक ही सुर में ये बात कह रही हैं कि ये जितना भी जो घटनाक्रम है सब कॉलेज के सामने हुआ है, सब दिल्ली पुलिस के जवानों के सामने हुआ है। तो ये मैं मान सकती हूँ कि वहाँ पे हो सकता है कि कम स्टाफ हो, लेकिन अगर ऐसा था तो तुरंत उन्होंने और स्टाफ की मांग क्यों नहीं करी? क्यों कॉलेज के प्रिंसिपल ने DCP को कॉल नहीं करा? क्यों वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई? दिल्ली महिला आयोग इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हम नोटिसेस इशू कर रहे हैं और जो लोग जिन लोगों ने ये गलत काम करा है और जिन लोगों ने उन्हें प्रोटेक्ट करा है उन दोनों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्या मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? जी अगर 4 दिन तक कोई एक्शन ही नहीं होगा तो ये आवाजें तो उठेंगी। दिल्ली पुलिस और कॉलेज को, दोनों को दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू कर रहा है और हम ये जानना चाहते हैं कि FIR क्यों नहीं कर रहे और कब तक अरेस्ट होंगे। लड़कियां तो ये तक बता रही हैं कि 3:30 बजे के बाद उस पास का कोई मतलब नहीं था, वो पास जो है उसका कोई भी मतलब नहीं हुआ। इमीडिएटली जो आया आदमी उसको अंदर दिल्ली पुलिस ने घुसाया, ऐसा लड़कियों के एलिगेशंस हैं जो कि बहुत सीरियस हैं। इसीलिए दिल्ली महिला आयोग दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहा है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आप कॉलेजेस के अंदर आदमियों को घुसवाओगे और फिर वहां पे लड़कियां मोलेस्ट होंगी और पुलिस अपनी आंखें बंद कर लेगी। आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम एंड दैट इज व्हाई द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन इज एक्टिंग। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन हम लोग नोटिस इशू कर रहे हैं कॉलेज को भी और दिल्ली पुलिस को भी। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ और अब वो क्या करेंगे। FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी जा रही और जिन लोगों ने ये गलत करा है उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? जैसा कि आपने देखा कि छात्रों का साफ तौर पे यहाँ के प्रशासन, यहाँ पे सिक्योरिटी और पुलिस प्रशासन पे सवाल उठता है। उनका कहना है कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारे सेफ्टी की बात है, इसलिए उनकी सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए और यही हमारी भी अपील है कि सभी प्रशासन पे इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रभासाक्षी। कैमरामैन रजत दीक्षित के साथ सत्यम तिवारी, प्रभासाक्षी, दिल्ली।